नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राम बालाजतम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके सामने अल्टीमेट स्कीम लेके आया हूँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सर, अगर आप ग्रांट के फेवर में नहीं हो या आपको ग्रांट नहीं मिलती, आप अप्लाई करते हो आप, बट आपके अंदर डेडिकेशन है कि अपने को काम करना है, ठीक है, तो ये स्कीम आपके लिए एकदम रास्ते खोल देगी। पूरी स्कीम ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है इस स्कीम के अंदर। किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने बेनिफिट देने से, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बेनिफिशरीज के लिए। समझते हैं इस स्कीम को। अगर आप अपने यहाँ पे लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपने फार्मिंग सेक्टर में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो अल्टीमेट स्कीम है। इस स्कीम को 2020 में थॉट प्रोसेस में आई, एग्जीक्यूशन हुआ, इसके फंड को अभी डेवलप किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 85% किसान जो हैं वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं, छोटे किसान। 45% किसान ऐसे हैं जो जमीन अरेंज करके उसके ऊपर खेती करते हैं, पटके के ऊपर काम करते हैं, उनको रेंटल्स देने पड़ते हैं, अपनी फसल देनी पड़ती है किसी के साथ में, ठीक है। और लगभग लगभग 15 से 20% प्रोडक्शन हमारे यहाँ खराब हो जाते हैं। हम साहब पूरे साल बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद में देखते क्या है, स्टोरेज सिस्टम नहीं है, प्रोसेसिंग सेंटर्स नहीं है हमारे पास में, अच्छी मार्केट्स नहीं है हमारे पास में, हमारे प्रोड्यूस को प्रॉपर रुपए नहीं मिलता है, और हम अपने समय को रिकन्वर्ट खराब ना हो, अब दूसरी फसल का टाइम ना निकल जाए, इस डर की वजह से वापस से हम अपने माल को सस्ते में बेच देते हैं, या स्टोरेज नहीं होने की वजह से माल खराब हो जाता है, तो हमारा 15 से 20% माल जो है जो खराब हो जाता है, जो और कंट्रीज के मुकाबले कम है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है इस AIF का कि ये सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जाके। कैसे करेंगे, तो मैंने इस स्कीम को 2 हिस्से में डिवाइड किया। पहला हिस्सा मैंने रखा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, दूसरा मैंने रखा एग्जीक्यूटरी पार्ट। एग्जीक्यूटरी पार्ट जो अपना हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। बट जानना, क्योंकि स्कीम अपने को ढंग से इंप्लीमेंट करवानी है, स्कीम में हमको काम करना है, हमारी फाइल किस जगह पे जाके रुकी है, किस जगह पे जाके क्या काम हो रहा है, अपने को सब अच्छे से पता होने के लिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी अपने को आना चाहिए। तो शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में। सर, नेशनल लेवल पे इन्होंने एक कमेटी बनाई, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। इस कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशंस के सेक्रेटरी साहब हैं, SFAC के MD साहब हैं, NCDC के MD साहब हैं, और भी लोग हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनका काम क्या हो गया, आप अपनी गाड़ी में स्टेयरिंग लेते हो ना, तो ये इसी तरीके से इस स्कीम का स्टेयरिंग लेके चला रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ये स्कीम अच्छे से रोल आउट हो जाए। तो सबसे पहला काम इनका स्टीयरिंग करने का है इस स्कीम को। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है इनका गाइडलाइंस बनाने का और उसको टेक केयर करने का कि इनका सब बेहतर चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर इन्होंने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने के लिए स्टेट लेवल पे कमेटी बना दी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, ये दिल्ली से गाड़ी चली, अब गाड़ी बन गई, उत्तर प्रदेश में पहुंच गई, अब उत्तर प्रदेश में एक दूसरा स्टीयरिंग संभालेगा जो यूपी के अंदर की गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, APC साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हैं। इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है, ये सारे लोगों की कमेटी बन गई और इस कमेटी में बोला आप स्टेट के अंदर अपनी गाड़ी दौड़ाओ इस स्कीम की गाड़ी, तो ये स्टेट के अंदर क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे, है ना। ये फिर और क्या करेंगे, ये एग्जामिन करेंगे और अप्रूव करेंगे प्रोजेक्ट्स को जो इसके अंदर आएंगे, है ना, और ये अपने टारगेट सेट करेंगे, आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए फॉर्मेट्स बनाएंगे। तो ये काम किया गया। फिर उन्होंने बोला कि साहब बड़ा स्टेट है, अपने को मैनेज करने के लिए और हमारे पास तक लोग पहुंचे इसके लिए अपने को ग्राउंड लेवल पे अपनी रीच बनानी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे रीच बनाने के लिए क्या बनाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो जिले लेवल पे, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं आपके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं, CEO साहब जो होते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब हैं वो हैं आपके सामने लिस्ट है, नाबार्ड के लोग हैं, DLBC के लोग हैं, तो ये सारे लोग हो गए। इनका काम क्या है, इस स्कीम को प्रॉपरली एक्चुअली इंप्लीमेंट करना। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। अब साहब अगर आपको लगता है कि आप वो पोटेंशियल वाले बेनिफिशियरी हो, तो आप जाके जो है कि इनके सामने अप्रोच करोगे। प्रोसेस क्या है, अभी हम लोग आगे समझेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। इन्होंने फिर जो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई हुई हैं, उनको असेस करना है ना।
प्रपोजल्स को रेकमेंड करना है, उनको अप्रूव करवाना है, उनको गाइडलाइन देना है, टारगेट्स को मीट आउट करना है, स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये सारे काम इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। फिर सबसे लास्ट लेवल पे बनाई गई कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। भाई जब आप प्रोजेक्ट करोगे, ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, AIF, और इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने सबसे निचले स्तर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को आइडेंटिफाई करने के बाद में वहां पे अपना जो है कि प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज, सप्लाई चेन क्लस्टर्स एंड गैप इन सप्लाई चेन टू टारगेट द प्रोजेक्ट्स, प्रिपेयर द बाइबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स टू, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है। फिर सपोर्ट टू द बेनिफिशरीज, PMUs विल प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, एकदम प्रॉपर लेवल का सपोर्ट PMU प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये तो सारा कुछ PMU के बारे में हो गया। तो सबसे पहले नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर फाइनली PMU। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल पे, एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ स्कीम। सर ये स्कीम क्या है? स्कीम में दो चीजें हैं, आपको ब्याज की छूट मिलेगी और आपको गारंटी मिलेगी, मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको मॉर्टगेज नहीं करना पड़ेगा, आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा? ब्याज में कितनी छूट मिलेगी सर? ब्याज में आपको 2 करोड़ रुपए तक जो भी आपको लोन मिलेगा उसमें 3% की छूट मिलेगी। मतलब अगर मान लीजिए आपको लोन मिला 8% पे, तो इफेक्टिवली आपको लोन कितना पड़ेगा? 5%। अगर आपको लोन मिला 4% पे, तो इफेक्टिवली आपको लोन कितना पड़ा? 1%। ये जो छूट होगी कितने सालों के लिए होगी? ये अधिकतम 7 सालों के लिए होगी। आप ध्यान रखिएगा, आपके जितने सवाल हैं AIF को लेके, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर हम लोन ले लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक तो ये बेनिफिट ले लो, 2 करोड़ के बाद में आप अपना पर्सनल जो भी नॉर्मल चीजें हैं उनके साथ में आप काम करते चलो। अच्छा, ऋण गारंटी कैसे मिलेगी? तो 2 करोड़ रुपए तक आपको CGTMSE कवर मिलेगा, 2 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट हो तो अगेन वही चीज, उसके ऊपर फिर आपको अपनी कोलेटरल मैनेज करनी पड़ेगी, या जो बैंक के जो भी प्रोविजंस होंगे आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। CGTMSE के लिए कुछ शुल्क जाता है, कुछ सर्विस चार्जेस जाते हैं, वो कौन बियर करेगा? सर वो सरकार खुद बियर करेगी, उसका आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगा। अच्छा, FPO के मामले में ऋण गारंटी DC एंड FW के संवर्धन योजना, मतलब कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं। आप अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में FFPOs और FPOs के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड बना रखा है। तो इस लाइन से मतलब है स्कीम का कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको उस वाले फंड के माध्यम से भी यहाँ पे क्रेडिट गारंटी दिलवाई जा सकती है, जो ऑलरेडी फंड सेटअप है FFPO स्कीम में और FPO स्कीम में, मतलब जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में या फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्रेडिट गारंटी फंड बना हुआ है, उस क्रेडिट गारंटी फंड को भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हो। जो PMU की प्रशासन लागत है वो कौन करेगा? वो तो आप DC, ये लिखा हुआ है कि जो फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी DACFW की है, ये PMU की विल प्रोवाइड PMU सपोर्ट टू द स्कीम एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट PMUs ऑफ द PM किसान एंड स्टेट लेवल, ठीक है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं एक बार। ओके, तो इनका वही खर्चा DACFW जो है वो इनको खर्चा प्रोवाइड करवाएगी। ये स्कीम कब से कब तक है? सन 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से 2029-30 फाइनेंशियल ईयर तक ये स्कीम लागू है। लेकिन इसमें लोन का जो डिसबर्समेंट का जो पीरियड है वो कब तक का है? सिर्फ और सिर्फ 2021 से लेके 2023-24 तक का। तो सर ये पीक टाइम है, आप जाइए। एक तो उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से पीक टाइम क्यों? क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है ना, तो आपकी फाइल्स भी अच्छे से हो जाएंगी, आपको अच्छे से काम करने का ये बेस्ट टाइम है। आप आराम से जाइए, 2021 से लेके 2023-24 के बीच में आप फाइल डिसबर्समेंट हो रही है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट का सबवेंशन जो है और जो क्रेडिट गारंटी है वो कब तक रहेगी? सर 7 साल तक रहेगी। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, जब हम अगर 31 मार्च 2024 की हमको कोई लोन डिसबर्स होता है, तो 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 2031 है ना, ये अपने को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में पहले साल 10,000 करोड़ रुपए तक का, फिर ये जो 1 लाख करोड़ रुपए मैंने आपको बताया था उसका बाइफर्केशन है, पहले साल 1,10,000 करोड़, फिर अगले 3 साल प्रति वर्ष 30-30 हजार रुपए करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का
4 वर्षों में इसका प्रावधान है। क्या इसमें कोई मॉरेटोरियम पीरियड भी है? मॉरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में लोन तो आपको डिसबर्स हो जाता है, लेकिन आपको लोन की रीपेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ ब्याज चल रहा होता है ना, और ब्याज की भी रीपेमेंट नहीं करनी होती है, वो आपकी क्या एक तरीके से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो क्या कोई अपने को लोन में, मतलब इस तरीके के लोन्स में कोई मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा? बिल्कुल सर, मॉरेटोरियम पीरियड इसमें 6 महीने से लेके 2 साल तक है। बेसिकली जब भी हम कोई इंडस्ट्री सेट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस हवा में आज इंडस्ट्री लगाई, कल से प्रोडक्शन शुरू, परसों तक सेल शुरू, इट टेक टाइम, समय लगता है। तो इसलिए इन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड का भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप 6 महीने से लेके 2 साल तक का मॉरेटोरियम पीरियड आपके पास में है। आपको उस दौरान कोई भी ना तो आपका केस एनपीए होता है और ना ही आपके ऊपर कोई पेमेंट्स की जिम्मेदारी आती है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए इस समय के अंदर, उसके बाद अपनी सेल्स लाइए और पैसे वापस करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। वेदर द सबवेंशन विल बी अलाउड फॉर फॉर द मोरिटोरियम पीरियड ऑल्सो? बिल्कुल, ये जो मोरिटोरियम पीरियड है ये 7 साल के अंदर कवर्ड है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर मोरिटोरियम ले लिया तो आपके 7 साल की लिमिट कम हो जाएगी, 7 साल के अंदर कवर्ड। इसमें बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि सर एकदम खुली किताब, बेहतरीन स्कीम है। तो आप देखिए, पैक्स हो सकती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, एफपीओज हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, मतलब अगर एक इंडिविजुअल पर्सन भी है वो भी जा सकता है। फिर सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी स्पॉन्सर्ड बाय द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम, अभी हम इसमें बीजीएफ की बात करेंगे, आप समझेंगे इस चीज को ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन सच प्रोजेक्ट्स, हाउएवर एमओयू विल मे बी साइन विद द पैक, ये बेकार की बात है। तो ये फिर इसमें आप देखोगे 1 नवंबर 2020 में क्लैरिफिकेशन आई, क्या वो क्या क्लैरिफिकेशन थी आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लोन अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द फाइनेंसिंग अंडर AIF। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, LLP है, कुछ भी है, आप आराम से जाइए इस स्कीम का फायदा उठाइए, बशर्ते आपका काम कौन सा होना चाहिए? सर आपका काम एक ही होना चाहिए कि आपको एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है। ओके, नेक्स्ट सवाल कि सर इसमें लोन कितना हो सकता है, हाउ मच लोन कैन बी अप्लाइड अंडर दिस स्कीम? बड़ा सीधी सी बात है, अभी 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 करोड़ रुपए तक 3% का सबवेंशन मिलेगा और 2 करोड़ के बाद में अपने को 2 करोड़ रुपए तक का ही सबवेंशन मिलेगा, और 2 करोड़ से ऊपर का अगर लोन होगा तो उस पर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने को पेमेंट करना होगा, दैट्स इट। इसमें लोन कौन देता है? सर मैंने आपको लोन देने के लिए स्कीम में लिखा है, इन्होंने बड़ी कि जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, कॉर्पोरेट शेड्यूल्ड कॉपरेटिव बैंक हैं, RRBs हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, NBFCs हैं, NCDCs हैं, DCCBs हैं, टैक्स के साथ एप्लीकेशन वाली, तो ऐसे करके एक इनका टेंडर एक तरीके से इंपैनल निकला कि आप आओ हमारे साथ पार्टिसिपेट करो आके इस स्कीम में। तो किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये मैंने आपके सामने लिस्ट रखी है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, CSB बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये सारी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिस्ट है, इन बैंक्स ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है, ठीक है। DCCBs आर नॉट अलाउड और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो वो कैसे AIF स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे? DCCBs जो पैक्स के साथ में एफिलेटेड हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, DCCB से भी आपको पैसे मिल जाएंगे। सर लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप बता रहे हो कि 3% का सबवेंशन है, लेकिन मैक्सिमम रेट कितना पता चले, वो बढ़ा के दे दिया 14% पे लोन दे रहा है? नहीं, गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट जो इन्होंने अग्रीमेंट किए हैं, बहुत ही क्लियर कट अग्रीमेंट्स किए हैं। वो क्या अग्रीमेंट्स हैं? मैक्सिमम आपको 9% का रेट इन्होंने डिसाइड कर रखा, लिखा गया है 6 मंथ का जो आपका MCLR होगा उस पर आप 1% बढ़ा लो, ठीक है, और मैक्सिमम आप 9% इसको ले जा सकते हो। तो एक्सिस बैंक का आप देखोगे 9% है, DCB का आप देखोगे 4% है, बैंक ऑफ इंडिया का आप देखोगे 8.35% है। सर ये आपने तो 3 बैंकों के बता दिए, मेरे को अगर PNB से करना हो तब क्या? मैंने आपको ये जो लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप पर्टिकुलर एग्री इंफ्रा की वेबसाइट पे वहां पे पहुंच जाओगे जहाँ पे हर एक बैंक का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, उस जगह पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है कि वो क्या है, वो ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे 3% घटाना है आपको, ना कि वो 3% घटा घटाया है, ठीक है, ये चीज समझना है इस चीज में।
जब भी आपको इस स्कीम के अंदर जो फंड्स अलॉट होंगे उन सॉरी जब हाँ फंड्स अलॉट होंगे, आप मशीनरी लगाओगे तो आपको जियो टैगिंग करवानी है ताकि वो मशीन कहीं चोरी ना हो जाए, है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है ना वो इसकी टेक केयर करेगी, आपके ऊपर एक सुपरविजन बिठा रखा है, ठीक है, एकदम ओपन नहीं छोड़ा आपको, आप कुछ भी कर लो जाके। कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम लोग इसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है सर। देखिए सप्लाई चेन का कोई भी ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेयर हाउसिंग, सिलॉस, पैक हाउस, असाइन जो असाइन यूनिट्स होती हैं, शॉर्टिंग का काम, ग्रेडिंग का काम, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप बड़ा कंफ्यूजन था लास्ट मीटिंग में, अपनी जो लास्ट मीटिंग हुई थी AIF के ऊपर वेबिनार था, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में क्या कवर्ड है क्या नहीं बस कवर्ड है, अभी आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। राइटनिंग चैम्बर, फिर इसके अलावा अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जैसे आप ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन लगा दो, बायो स्टिमुलेटेंट प्रोडक्शन प्लांट लगा दो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट प्रिसीजन का प्लांट लगा दो, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर दो, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स लगा दो, तो इस तरीके की काफी ढेर सारी चीजें हैं जो पीपीपी मॉडल में भी आप लगा सकते हो इसमें, समझिएगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है ये, मैंने निकाला हुआ है गोवर्धन। क्या गोबर गैस प्लांट आप AIF के अंदर लगा सकते हो, आप गोबर गैस प्लांट भी AIF के अंदर लगा सकते हो, 27 अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन है, परफेक्ट। हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं क्या, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, कुसुम योजना। क्या हम कुसुम योजना में जो बेसिकली सोलर के ऊपर काम हो रहा है क्या उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 25 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन है, हम वो भी कर सकते हैं, कन्वर्जेंस उसका भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। वेदर द प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कवर्ड अंडर द स्कीम, बड़े यहाँ पे ये सवाल मैंने जो लिया है ये FAQ सेक्शन से लिया है, जिसको मैंने नीचे और इलाबरेट करने की कोशिश की है। तो लिखा है कि द स्कीम इज लिमिटेड टू द प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स ओनली, एडवांस प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द स्कीम, हाउएवर सम कंपोनेंट्स ऑफ सच प्रोसेसिंग मतलब एडवांस वाले की भी, सच एज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो हम इसमें कवर कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेसिंग यूनिट में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कैन द एलिजिबल एंटिटी चूज अ प्रोजेक्ट अदर देन मेंशन्ड इन द स्कीम, बिल्कुल आप इस स्कीम के अंदर कोई प्रोजेक्ट लिखा है क्या उसके अलावा कुछ और चूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, स्कीम में स्कीम फैसिलिटेट करेगी, लेकिन की एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपकी एग्री वैल्यू चेन का हिस्सा होना जरूरी है, अगर वो एग्री वैल्यू चेन का हिस्सा है तो वो इस स्कीम के अंदर फंडिंग हो जाएगी। इज देयर एनी कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल, नहीं सर, आपको यहाँ पे सब्सिडी कुछ नहीं लगा, सब्सिडी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब लोन ही है ना, जो कुछ है वो सब लोन है, सब्सिडी नहीं है, सारा पैसा आपको वापस करना है और जो लगाना है वो अपने पास से लगाना है। क्या बोरोवर जिसको पैसा मिलेगा उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लगाना कंपलसरी है, हाँ ओन कम एटलीस्ट 10%, आपकी बैंक आपसे ज्यादा मांग सकती है, ये रेकमेंडेड है इस स्कीम के मुताबिक, बैंक आपसे 15% भी बोल सकती है, 20% भी बोल सकती है प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, लेकिन मिनिमम तो 10% आपको लगाना ही है, ठीक है। वेदर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द मंडी बोर्ड पैक्स वगैरह ये सब शामिल है, नहीं सर, ऐसे कोई भी काम जो AIF को डायरेक्टली, मैंने आपसे क्या बोला जो वैल्यू चेन को सपोर्ट कर रहे हो तो ये नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज में ये चीज उन्होंने कंप्यूटराइजेशन वगैरह का काम मना कर रखा है। लेकिन आपको याद होगा देखिए कंप्यूटराइजेशन इज समथिंग डिफरेंट, कंप्यूटराइजेशन अलग बात है, ई मार्केट क्रिएट करना अलग बात है, ई मार्केट वैल्यूएशन कर रहा है, आपको मार्केट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, वो कर सकते हो आप, लेकिन कंप्यूटराइजेशन वाला जो काम है वो इसमें कवर्ड नहीं है। इज देयर एनी सेक्टर स्पेसिफिक फोकस, बहुत जरूरी, बहुत अच्छा सवाल। 24% ऑफ द टोटल ग्रांट इन एड अंडर द स्कीम विल बी फॉर द SCs एंड STs, और 16% फॉर द SC, 8% फॉर द ST इन्होंने डिफाइन कर दिया, मतलब टोटल अगर 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो 100 में से 24 रुपए SC ST के लिए जाएंगे, आउट ऑफ दिस 24 रुपए 16 रुपए जो होगा प्योरली SC के लिए जाएगा और 8 रुपए जो होगा प्योरली ST के लिए जाएगा, ठीक है। ओके वेसाइड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल इंश्योर एडिक्यूट कवरेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग, इन्होंने वुमेन को भी कवर करने की कोशिश की है कि साहब अगर वुमेन है अदर वीकर सेक्शन है तो वो उनको भी लोन दे दें।
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर प्रोसेस कैसे करेंगे, इस स्कीम को कैसे अप्लाई करना है, तो agriinfra.dac.gov.in करके पोर्टल है, आप उधर जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद में क्या करोगे, आपने रजिस्टर किया, फिर आप अप्लाई फॉर द लोन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, वहां पे आप अप्लाई करो। उसके साथ में आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी ऑफ द DPR और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सब उसमें सबमिट करने हैं। अब क्या होगा, जब आपने सबमिट कर दी तो बैकएंड के ऊपर सिस्टम प्रोसेस होगी, आपकी एप्लीकेशन अगर सब सही पाया गया तो फॉरवर्ड कर दी जाएगी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को फर्दर अप्रेज करेगा और उसको या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे स्कीम मेकर्स ने बहुत अच्छी बात की कि साहब अगर आपको टाइम लिमिट दी गई है तो आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही अप्रूव या रिजेक्ट करना है, आप टहला नहीं सकते हो मेरे किसी भी एप्लीकेंट को, क्योंकि अगर आपने उसके बाद किया तो हम CGTMSE वाला कवर नहीं देंगे आपको। तो टाइम लिमिट टू कन्वे द डिसीजन इज 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द लोन। तो अगर 60 दिन के अंदर आपको लोन की एप्लीकेशन नहीं आई, ठीक है, लोग उसके ऊपर रिजल्ट नहीं आए, तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए कि फिर वो बैंक करेगा नहीं, क्योंकि उसको वहां पे बेनिफिट लॉस है, उसकी सिक्योरिटी का लॉस है ना। तो इन दैट केस अपने को क्या है, वो 60 दिन के अंदर या तो रिजेक्शन करेंगे या फिर ओके करेंगे। जब जैसे ही जो लोन है वो सैंक्शन हो जाता है, तो सैंक्शन होने के बाद में डायरेक्टली वो ट्रांसफर हो जाएगा बेनिफिशियरी के खाते में और डिसबर्सल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस थी। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर सच अकाउंट्स विच बिकम्स द NPA? बहुत अच्छा सवाल कि अगर कभी कोई अकाउंट NPA हो जाता है तो उस केस में इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होगा। तो सर जितनी पीरियड के लिए वो अकाउंट NPA है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, है ना। सबवेंशन विल बी अलाउड ओनली टिल द अकाउंट इज इन स्टैंडर्ड कैटेगरी। इफ द अकाउंट स्लिप्स इनटू द NPA, नो सबवेंशन विल अलाउड ड्यूरिंग द पीरियड आमा अकाउंट रिमेन्स अंडर द NPA। जब तक कि आपके अकाउंट NPA में रहता है तब तक आपको कोई भी सबवेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन सबवेंशन दोबारा मिलेगा, ठीक है, अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द अकाउंट टू द स्टैंडर्ड कैटेगरी। और जिस दिन आपका एक ग्रेड अप मतलब अकाउंट आपका अपग्रेड हो गया, नॉर्मल स्टैंडर्ड हो गया, उस दिन से आपको ये मिलना मिलेगा। और वंस द अकाउंट इज अपग्रेडेड टू द स्टैंडर्ड इट विल बी एलिजिबल टू रिसीव द सबवेंशन फॉर द पीरियड इन विच द अकाउंट वाज अंडर NPA। मतलब आपको जितने पीरियड का इंटरेस्ट सबवेंशन रोका गया था, जो आपका NPA का पीरियड था, जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाएगा तो वो जो रोका गया आपका इंटरेस्ट सबवेंशन था वो भी आपको मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि इनकेस अगर कोई डिफॉल्ट होता भी है तो आप कोशिश करो कि अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर करो, ताकि उस पीरियड का भी आपको मिल जाए और आपकी सिविल वगैरह डैमेज ना हो। विल द स्कीम इनकरेज कन्वर्जन अंडर द अदर स्कीम्स? बिल्कुल, आप आराम से अदर अदर स्कीम्स के साथ में कन्वर्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक सवाल आता है कि अगर कोई कैपिटल सब्सिडी है तब क्या बोला जाएगा, तब कन्वर्जेंस कैसे होगा? तो बड़े क्लियर शब्दों में बोला, कैपिटल सब्सिडी आपको मिल रही है ना, कोई घबराने की बात नहीं, हम उसको ओन कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। लेकिन 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 जो आपका मिनिमम 10% कंट्रीब्यूशन लगाने की बात कर रहे हैं वो तो साफ लगानी पड़ेगी। नाउ बैंकर हो सकता है आपसे सेटिस्फाई हो जाए कि 10% आपको कैपिटल सब्सिडी मिल गई, 10% आप अपने आप से लगा दो, ठीक है। लेकिन मान लो 10 ही% कैपिटल सब्सिडी है, तो कैपिटल सब्सिडी के अलावा भी आपको 10% लगाना पड़ेगा। आप चाह के भी 80% से ज्यादा लोन नहीं ले सकते हो इस स्कीम में। आप समझते हैं सर VGF क्या होता है? VGF मतलब ये एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की स्कीम है। PPP मॉडल्स जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हैं वहां पे ये फंडिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन के साथ में पर्सनल, आपको अपने साथ में गांव प्रधान के साथ में या मान के चलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में इस तरीके का को कोई काम करना है PPP मॉडल पे, तो जो ये 10% वाला जो क्लॉज है वो आप VGF से लेके आ सकते हो। VGF की गाइडलाइन सर कहाँ मिलेंगी? ये जो मैंने आपको लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे PDF फॉर्मेट में, उसकी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम पे आपको VGF के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता पाऊं। क्या अंडर दिस स्कीम नाबार्ड मल्टीपर्पज सर्विस सेक्टर स्कीम, नाबार्ड की एक मल्टीपर्पज सर्विस सेक्टर स्कीम है जो लगभग इसी के जैसी है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि 4% से नाबार्ड लोन देती है किसको, सोसाइटीज को। तो क्या अगर वो उसके साथ में कन्वर्जेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो 4% पे तो सोसाइटी को लोन मिल गया, जब इसके साथ कन्वर्जन कर लिया 3% का सबवेंशन मिल गया, तो इफेक्टिवली आपको लोन कितने परसेंट का पड़ा, 1% ब्याज पे पड़ा। व्हाट विल हैपन इफ द स्टेट यूटी अचीव्स, अभी आप नीचे देखोगे हर एक स्टेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने टारगेट जो बनाया हुआ है फंड, ये फंड का अलोकेशन किया है, लेकिन क्या हो कि फंड को जितना अलोकेट किया गया स्टेट ने उसको एक्सीड कर दिया, कंप्लीट कर दिया और रिक्वायरमेंट और है, तो इन्होंने साफ बता दिया कि ये इंडिकेटिव नेचर किया है। मतलब सर अब आपके ऊपर है कि आप उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर कितना पैसा लोन के तौर पर लेके कितना अच्छी एग्रीकल्चर इकोनॉमी शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप अपने स्टेट से अगर आप प्यार करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे काम करवाओगे, तो आपको ये वाली लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो यूपी में कितना फंड अलाउड है, 12,831 करोड़ रुपए का फंड अलाउड है, ये इस तरीके से मैंने हर एक स्टेट की। अब प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, मैंने आपसे बोला था कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी एलिजिबल है। मान लेते हैं कि केरल्स की बात कर लेते हैं, तो क्लीनिंग, डी स्टोनिंग, पत्थर कंकड़ बीनना, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, हलिंग, मिलिंग, ये सब अलाउड है, लेकिन क्या नहीं अलाउड है, फर्मेंटेशन नहीं अलाउड है, बेकिंग नहीं अलाउड है, पफिंग नहीं अलाउड है, आप पफ आते हैं ना, तो फ्लेकिंग नहीं अलाउड है, फ्राइंग नहीं अलाउड है, तो इस तरीके की ये पूरी एक लिस्ट है कि किसमें क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। फ्रूट वेजिटेबल्स में वॉशिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, शॉर्टिंग, ये सब अलाउड है, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं अलाउड है, कैनिंग नहीं अलाउड है, जूस बनाना नहीं अलाउड है, स्टरलाइजेशन नहीं अलाउड है, ऑयल सीड में क्लीनिंग, डी स्टोनिंग, डी हस्किंग, ये सब अलाउड है, ठीक है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना, रिफाइन करना, न्यूट्रलाइजेशन करना, ब्लीचिंग करना, ये सब नहीं अलाउड है। दालों में अगेन क्लीनिंग, पल्स ड्राइंग, स्प्लिटिंग और ये स्टोन क्लीनिंग, ये सारा कुछ अलाउड है, लेकिन उसकी कैनिंग करना, बेसन प्रिपेयर करना, पापड़ बना देना, ये सब नहीं अलाउड है। कॉटन में इस तरीके से, ये प्रॉपर कॉटन में आप देख लीजिए, क्लीनिंग, ड्राइंग, गिनिंग, ये सारी चीजें अलाउड है, लेकिन फाइबर फिशिंग, सोर्सिंग, प्यूरिफाइंग, ये सारी चीजें नहीं अलाउड है। शुगर केन में, गन्ने में क्या कर सकते हो, केन अनलोडिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीजें अलाउड है, इसमें उन्होंने नॉन अलाउड की चीज नहीं लिखी। स्पाइसेस में रोस्टिंग नहीं अलाउड है, स्टरलाइजिंग नहीं अलाउड है, थर्मल ट्रीटमेंट नहीं अलाउड है, कोकोआ में रोस्टिंग नहीं अलाउड है, विनोइंग नहीं अलाउड है, अल्कलाइजेशन नहीं अलाउड है, कॉफी में रोस्टिंग नहीं अलाउड है, क्या अलाउड है, क्लीनिंग है, ड्राइंग ऑफ चेरीज है, वॉशिंग है, हलिंग है, पल्पिंग, ये सारी चीजें अलाउड है। तो ये मैंने एक प्रॉपर लिस्ट आपके लिए, मरिंगा में आप वॉशिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, तो ये सारी, मतलब आप समझिए कि AIF कहने को तो बहुत छोटा कम दायरा लेके चल रहा है, लेकिन आप देखिए कितना वास्ट दायरा है। ओके, अब समझते हैं फाइनल इसको, क्रक्स में समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स तो ये हैं कि ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है 1 लाख करोड़ रुपए की, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी है, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है 2 करोड़ रुपए तक के लिए, इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैक्सिमम 9% की कैपिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लोकल लेवल पे अवेलेबल है जो आपके प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, मल्टीपल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, एक सिंगल विंडो सिस्टम है, आपको इधर उधर भागना नहीं है, सिर्फ आप DPR बनवाइए अच्छे प्रोफेशनल से और उसको अपलोड कर दीजिए, कन्वर्जेंस किसी भी स्कीम के साथ में अलाउड है, आपको डिसबर्समेंट के लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, 4 साल में हम कितना पैसा डिसबर्स करेंगे, 6 महीने से 2 साल का मॉरिटोरियम पीरियड अलाउड है और रीफाइनेंस भी अलाउड है, ठीक है। एक मैंने चेकलिस्ट आपके लिए प्रॉपरली डाउनलोड की थी कि बैंक का लोन अप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी कार्ड में वोटर पैन, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट में से कोई एक चीज, बिजनेस एड्रेस प्रूफ का आपके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो भी फाइनली है, ITR, आप लोगों ने लास्ट टाइम उस सेमिनार में पूछा कि साहब लोन्स नहीं होते हैं, अगर आप बोलेंगे कि लोन्स क्यों नहीं होते हैं, आपको लोन्स कैसे करवाने चाहिए, क्या ऐसी क्या गलती करते हैं कि लोन्स अपने को नहीं मिलते हैं, हम स्कीम में एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट, GST सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए 2 करोड़ से ऊपर का अपने को लोन करना है तो ओनरशिप लैंड के पेपर्स भी चाहिए होंगे, ROC की सर्च रिपोर्ट, KYC डॉक्यूमेंट, नेटवर्क सर्टिफिकेट, ठीक है, DPR, आपको ये सारी चीजें लोकल, अगर मान लीजिए आपको कोई लोकल करेंसी चाहिए तो आपको वो भी अवेल करने होंगे, तो ये सारी चीजें आपके पास में आपको चाहिए होंगी। अगर इस स्कीम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर 9335377770 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा
और आशा करता हूं कि आप इस स्कीम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और बेहतर काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.